हेलो, मैं मुंबई पुणे में ही बेस्ड हूँ। वहीं पे हम लोग काम पिक्चरों का काम करते हैं, फिल्में बनाते हैं। और यहाँ इस फिल्म फेस्टिवल में भाई से भेंट हुई। और आप इनके चैनल को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब और लाइक करें, और जिससे ये हाय, मैं वीरेन, इंदौर से फिल्म मेकर। और ये जो भाई हैं आपने, आदेश जी और उनके छोटे भाई अनूप, बोल दो सब्सक्राइब कर दे चैनल को और वीडियो को लाइक कर दो। ओके दोस्तों, नमस्कार। अनूप ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदेश और इनको जानते हैं आप अनूप, ठीक है। तो दोस्तों, आ जाए हैं हम सीधी जिले में, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में। और सीधी जिले में है अक्षत रेस्टोरेंट। यहां पे फिल्म फेस्टिवल जो है वैष्णवी गार्डन में फिल्म फेस्टिवल जो है मनाया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे धुरंधर दिग्गज अभिनेता एक्टर जो कि आ रहे हैं यहाँ पे। और आज से ही ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर आएँ। तो इसमें हम सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पीछे हमारे कनिष्क भैया हैं, जो इनका न्यूज़ चैनल चलता है, वो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। और ये पीछे जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, इनकी भी फिल्म यहाँ पे चलेगी, ठीक है। बैनर लगा हुआ है सामने। बिल्कुल, बैनर भी लगा है, हम आपको बैनर भी दिखाएंगे अभी। और इनका नाम है यशपाल शर्मा सर, ठीक है। इन्होंने बॉलीवुड फिल्म में आप इनको देखते ही होंगे, हमेशा देखते होंगे, बहुत अच्छी अच्छी फिल्म में इनकी आती है। नेशनल अवार्ड विनर हैं ये, और बिल्कुल बहुत ही बड़े एक्टर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी यहाँ सीधी में आ रहे हैं दोस्तों, हर साल चीफ गेस्ट के रूप में। बिल्कुल, हर साल यहाँ पे फिल्म फेस्टिवल मनाया जाता है यहाँ पे। और हमारे भैया हैं नीरज कुंदेर भैया, वो यहाँ पे इसको मतलब वो करवाते हैं, प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाते हैं और एक्टर्स को बुलाते हैं यहाँ पे। और दुनिया की जितनी भी फिल्में हैं वो सब यहाँ पे चलाई जाती है और सभी को दिखाई। चाहेंगे कि सब लोग आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इसका आनंद लें। जो देश विदेश की फिल्में आई हुई हैं, हम एक साथ आसानी से इतनी फिल्में नहीं देख सकते, लेकिन ये हमारे लिए सुविधा है कि हम एक साथ देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, सब परिवार आए, इष्ट मित्रों के साथ आए, देखें और इसका आनंद लें। थैंक यू सर। प्रवीण सर, आप थोड़ा कुछ बोल दीजिए। क्या बोलूँ, ये फोर्थ एडिशन है, चौथा संस्करण है जी जी। और मतलब काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है, बस ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ आसपास के जिलों से भी, और आके और इसको जो है सक्सेसफुल इवेंट बनाएं, ताकि हम अगले साल और अच्छा और बड़े लेवल पे ये इवेंट को कर पाएंगे। थैंक यू सर।
बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। सुनील भैया ये हैं, आप लोग जानते ही होंगे, 3-5 चैनल के महान अभिनेता। और ये हमारे भाई साहब, ये भी ब्लॉगर है। और ये हमारी दीदी, प्यारी दीदी, 3-5 के हाँ मूल मतलब मेन लीड रोल प्ले करने वाली मूल। अरे हमारे सबसे शानदार हॉट स्पॉट इस फील्ड के और स्पा की पर्सनालिटी, क्या चाहते हैं पर्सनालिटी और कुछ हो जाए, हो गया नहीं हॉट स्पॉट के अलावा। अभी टाइम है, फिर चले भी कभी सम्मेलन चालू हो जाएगा। बहुत बिल्कुल चल रहा है ना अंकल जी, बोल दीजिए लाइक और सब्सक्राइब के लिए। अनु ब्लॉग सीधी, अनु ब्लॉग सीधी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो मन हो वो सब कर दें। अभी मैं यहाँ फिल्म फेस्टिवल में आया हूँ और हमारे भाई साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने बताया कि मैं ये काम करता हूँ, मतलब ब्लॉग बनाता हूँ। बोला अच्छी बात है, ब्लॉग से अपना जो सांस्कृतिक है या भौगोलिक है, जो अपना क्षेत्र है जैसे मध्य प्रदेश बघेलखंड, इसे सभी से रूबरू कराते हैं, परिचित कराते हैं कहाँ पर क्या चीज़ें हैं या शूटिंग लोकेशन है या फिर धार्मिक चीज़ें हैं, सभी से मतलब ये बिल्कुल कराते हैं। बिल्कुल तो इनके जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसको आप पढ़ना पड़ता है। हमारी युवा पीढ़ी जब श्रृंगार की चाशनी में लिप्त हो जाती है तब हमें ओज की अंगार की भाषा। उनको रास्ते से आते हुए देख रहा था गाड़ी में, तो मैंने कहा गाड़ी बड़ी नहीं खरीदे, आप नहीं चलाते किस नंबर पे आदमी रखे उठो पाण भट्ट, मैं तुम्हें जगाने आया हूं।
सोई जनता सोए नेता एहसास कराने आया हूं। चिर निद्रा में तुम लीन हुए, चिर निद्रा में तुम लीन हुए कादंबरी के आगोश में, जनता नेता सो रहे हैं पूरे अपने होश में। चिर